नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, अभी हम बेली रोड से मतलब दानापुर की ओर से जगदेव पथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेली रोड ब्रिज के नीचे से चल रहे हैं और आपको हम ले चल रहे हैं खाजपुरा। वो खाजपुरा पटना का वो इलाका जहां कल शाम को एक महिला के भीतर कोरोना पॉजिटिव का केस मिला। 32 साल की महिला है और इसके बाद प्रशासन की चिंता बहुत अधिक बढ़ी हुई है। देखिए, यह चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि जो महिला का ताल्लुकात है, 32 वर्ष की महिला है। देखिए, हम आपको यह बता दें कि यह महिला कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रखती है, किसी तबलीगी जमात से नहीं है और इस कारण चिंता अधिक बढ़ रही है क्योंकि इस महिला के जो परिवार का रिश्ता है वो सब्जी की खरीदारी और बिक्री से रिश्ता है। जो इनके ससुर हैं और जो इनके किराएदार हैं वो खाजपुरा में ही सब्जी बेचते हैं। देखिए, हमारी चिंता इसलिए बढ़ गई कि अभी से कुछ देर पहले हमने आगरा की एक स्टोरी पढ़ी। आगरा में न्यूज 18 के पत्रकार हैं हिमांशु त्रिपाठी, उन्होंने बताया कि वहां किस तरीके से एक सब्जी बेचने वाले के भीतर कोरोना का पॉजिटिव मामला मिला और इसके बाद आगरा में कोई 2000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो देखिए, अब खाजपुरा में ये जो महिला है बिजली गली की रहने वाली है, शिव मंदिर के पास। अब देख रहे हैं खाजपुरा का पूरा इलाका, खाजपुरा में हम आ चुके हैं और वो शिव मंदिर जिसके पास बिजली गली है, हम वहां भी पहुंचने ही वाले हैं। देखिए, हम वापस मुड़कर भी उधर से आएंगे। तो हम ये जो बताना आपको चाह रहे हैं कि मामला ये इतना संवेदनशील हो गया है, 32 वर्ष की महिला जिसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और कोई तबलीगी जमात से ताल्लुकात नहीं है। इस महिला के जो पति हैं वो एटीएम कैशबैक जो होता है उसके चालक हैं और इनके जो ससुर हैं और इनके जो किराएदार हैं वो खाजपुरा में ही सब्जी बेचते हैं। तो प्रशासन ने अब यह समझ में नहीं आ रही है बात कि ये किनके संपर्क में आने से इनके भीतर कोरोना पॉजिटिव आ गया। देखिए, अभी हम खाजपुरा में चल रहे हैं, पुलिस की चौकसी है, दुकानें सारी बंद हैं और हम फिर से घूमकर आएंगे आगे जगदेव पथ से, फिर से घूमकर आएंगे क्या वो शिव मंदिर की तरफ जहां बिजली गली है, जहां की यह महिला रहने वाली है। देखिए, दुकानें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। हाँ, कुछ सड़क पर मूवमेंट है। तो जो महिला है, मैंने आपको बताया कि इनका सब्जी से ताल्लुकात है, इनके जो ससुर हैं और इनके जो किराएदार हैं वो खाजपुरा में सब्जी बेचते हैं और जब ये कोरोना पॉजिटिव हुई तो कल रात को प्रशासन ने इनके संपर्क में आने वाले लोगों को, जिनमें इनके ससुर भी हैं, इनके पति भी हैं, इनके किराएदार भी हैं, इनके दो बच्चे भी हैं, 12 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है होटल पाटलिपुत्र अशोक में। और पटना के सिविल सर्जन राजकिशोर चौधरी ने स्पष्ट किया है कि देखिए, कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तबलीगी जमात से ताल्लुकात नहीं, ये हमारे स्थानीय सोर्सेज कर रहे हैं। और चिंता इस बात की है कि यदि इस महिला के संपर्क में आने वाले लोग, मतलब ससुर और किराएदार के भीतर कोरोना पॉजिटिव निकल आया तो फिर क्या होगा, क्योंकि दोनों सब्जी बेचते हैं और खाजपुरा में जगदेव पथ के आसपास, देखिए वो शिव मंदिर हम आ गए हैं जहां बिजली गली, इसी के पास बिजली गली है। तो यदि उनके भीतर, इनके ससुर और इनके किराएदार के भीतर यदि निकला तो फिर क्या होगा, फिर कैसे पहचान होगा कि कौन कौन लोग इनके संपर्क में आए थे। सुबह और शाम लोग सब्जी लेने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच जाते हैं, आज पूरी दुकानें बंद करा दी गई है, सब्जी वालों को नहीं आने दिया गया है। तो ये चिंता की बात, बेहद चिंता की बात है। और आपको हम सबसे पहले खाजपुरा लेकर आए हैं, खाज लाइव सिटी लेकर आए हैं और खाजपुरा के आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए, हर जगह, हर ये देखिए बिग बाज़ार खाजपुरा का बिल्कुल सामने है और आगे आप जगदेव पथ पर देखेंगे जो सारे अपार्टमेंट्स हैं, हल्दीराम है, सब कुछ बंद है। और प्रशासन, आज सुबह यहाँ सैनिटाइजेशन का काम भी किया गया है, सड़कों की साफ सफाई की गई है, लेकिन प्रशासन की चिंता और यहाँ रहने वाले लोगों की चिंता भी इसी बात की है कि यदि महिला के ससुर और किराएदार जो सब्जी बेचते हैं या उनका पति जो एटीएम कैश बैंक का चालक है, यदि वो उनके भीतर कोरोना पॉजिटिव निकला। देखिए, मैं अभी से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी वक्तव्य सुन रहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोई छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि दिल्ली के जितने सारे जिले हैं सारे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, सारे हॉटस्पॉट हैं। तो इसका मतलब ये भी, अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी बात बताई कि कल जितने रिपोर्ट्स आए हैं उस रिपोर्ट्स में वैसे लोगों की संख्या बड़ी संख्या है। देखिए, दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाई गई, जैसा अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि जो रिपोर्ट चाहे वह उनमें वैसे लोगों की संख्या पॉजिटिव जो हुए हैं जिनके भीतर कोई भी लक्षण नहीं था और वो आसानी से यहाँ वहाँ घूम रहे थे। इनमें एक व्यक्ति ऐसा भी निकला है जो सरकारी आहार केंद्र पर, जो वहाँ कम्युनिटी चिकन है, वहाँ रोज खाना खिलाने जाता था। तो अरविंद केजरीवाल ने आज
इंस्ट्रक्ट किया है अपने प्रशासन को कि आप अब उस कम्युनिटी किचन में जो लोग रोज खाना खाने आ रहे थे उन सबों की सैंपलिंग कराइए, उन सबों की टेस्टिंग कराइए। तो ये देखिए बड़ी चुनौती, इसलिए मैं कह रहा हूँ खाजपुरा, खाजपुरा में यदि उस महिला के ससुर पति या किराएदार को कोरोना पॉजिटिव निकला, रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, तो हमारी आपकी चिंता बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि फिर पहचान पाना, देखिए अब जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि देखिए मास ट्रांसमिशन या कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिससे हम बचना चाहते थे, तो वो फिर से वही बात आएगी कि यदि निकल आता है तो फिर इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी चुनौती। देखिए अब सड़क पर इतने लोग सारे बैठे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप क्यों बैठे हैं, आप अपने घरों की ओर जाइए। देखिए हालात ऐसे नहीं है, आपको लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ेंगे और कोरोना आपके भीतर घुस जाएगा, तो चिंता की बात है, चिंता की बात है पूरे खाजपुरा इलाके में। और ये जो महिला है, हमारी जो जानकारी है, वो तबलीगी जमात से शामिल नहीं है, इनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई विदेश से नहीं आई है, लेकिन कैसे इनके भीतर कोरोना पॉजिटिव आ गया? क्या पति देव से आया जो एटीएम कैश बैंक के चालक हैं और लगातार ड्यूटी कर रहे थे, या फिर कहीं और से आ गया? ससुर और जो इनके किराएदार हैं वो सब्जी बेच रहे थे। तो ये चिंता करने की बात है, आपको हम लगातार अलर्ट करते रहेंगे पटना को लेकर। देखिए ये पारस हॉस्पिटल है, आम दिनों की तरह गतिविधि नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है और यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, जाहिर तौर पर इनके कुछ परिजन होंगे जो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे होंगे। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, आगे SGIMS आएगा और वहीं हम अपनी इस स्टोरी को समाप्त करेंगे। लेकिन सतर्क रहिए, सजग रहिए, देखिए क्योंकि पटना के शहरी इलाके में, रिहायशी इलाके में जहां बड़ी आबादी रहती है, वहां कोरोना प्रवेश कर चुका है और मास ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ा हुआ है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।